15 मिनट में खीर बनेगा? हाँ जरूर बनेगा, इस मेथड में बनाओगे तो झट से 15 मिनट में खीर बन जाएगा। नमस्ते, मैं हूँ सुनीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। खीर बनाना शुरू करने से पहले 2 टेबलस्पून चावल एक छोटे से बाउल में अच्छे से धो के उसे आधे घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। दूध उबालने से पहले पतीले में थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसके बाद 1/2 लीटर दूध उसमें डालेंगे। इससे क्या होता है, पतीले में नीचे से दूध नहीं जलेगा। अभी दूध को हम उबलने के लिए गैस पे तेज आंच पे चढ़ाएंगे। दूध उबलना शुरू होते ही गैस धीमी कर लेंगे और आधा दूध एक बाउल में निकाल लेंगे। एक कुकर लेंगे, उसमें भिगोए हुए चावल पानी के साथ डालेंगे और निकाले हुए दूध भी उसमें डालेंगे। उसके साथ 200 ml पानी भी प्रेशर कुकर में डालेंगे। अभी प्रेशर कुकर को गैस पे चढ़ाएंगे और 3 सीटी के लिए प्रेशर कुक करेंगे। जब तक चावल प्रेशर कुक होता है, 2 इलायची लेके हम पाउडर कर लेंगे। देखिए चावल पूरी तरह से पक चुका है, इसे हम स्मैशर से और थोड़ा स्मैश कर लेंगे। अभी स्मैश किए हुए चावल को बाकी जो बचा दूध है उसमें हम ट्रांसफर कर लेंगे। अभी हम 1/2 कप चीनी खीर में ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अभी इलायची पाउडर भी इसमें ऐड कर लेंगे और आखिर में खवे को इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। खोया जब खीर में अच्छे से मिल जाए तो गैस को बंद कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स के बिना खीर तो अधूरी है, तो एट लास्ट में हम घी के साथ ड्राई फ्रूट का तड़का लगाएंगे। नवरात्रि आने वाली है तो इस बार ये झटपट खीर आप भी ट्राई करके कैसे बना एक कमेंट जरूर कीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे बहुत सारी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।